राजकीय महाविद्यालय नूरपुर में चल रही दो दिवसीय महिला जूडो चैंपियनशिप का समापन हो गया। समापन समारोह पर इसी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राचार्य अरविंद पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 20 कॉलेज की 87 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। दो दिन तक चली इस प्रतियोगिता में RKMB कॉलेज शिमला ओवरऑल चैंपियन रहा, जिसने 15 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे नंबर पर 13 अंकों के साथ संयुक्त रूप से MLSM सुंदरनगर और राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा रहे। वहीं तीसरे स्थान पर स्थानीय महाविद्यालय नूरपुर रहा, जिसने 10 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि अरविंद पठानिया ने विभिन्न वर्ग में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली इन महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये पहला अवसर है जहां नूरपुर कॉलेज में पहली बार किसी इंटर कॉलेज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ हो, जिसके लिए उन्होंने महाविद्यालय की प्राचार्य अरुणा शर्मा को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता का आने वाले समय में भी आयोजन होता रहेगा, जिससे क्षेत्र में और खिलाड़ियों में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों में किसी भी क्षमता की कमी नहीं है, बस उन्हें सही दिशा और सही मार्गदर्शन करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग विधानसभा हलके के दर्जनों गांव में हुई ओलावृष्टि से बागवानों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। इस ओलावृष्टि से करीब 7000 बीघा क्षेत्र के सेब बाग प्रभावित हुए हैं और लगभग 2 लाख पेटी सेब पेड़ों में ही क्षतिग्रस्त हुई है। इससे सीधे तौर पर 20 करोड़ की चप्पल संबंधित क्षेत्र के बागवानों को लगी है। सेब की तैयार फसल पर तुड़ान से कुछ रोज पूर्व इस प्रकृति की मार ने बागवानों के सारे अरमान धो दिए हैं। अब प्रभावित सेब बागवानों की आगे की रोजी रोटी कैसे चलेगी, कैसे बच्चों की शिक्षा हो, संकट में पड़ गए हैं। अधिकतर बागवानों ने बैंकों से KCC लोन बनाकर बागवानी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। उनके खेतों से बैंकों ने फसल की बीमा राशि भी काटी है, लेकिन जब बागवान मुआवजे की मांग को लेकर बैंकों के चक्कर लगाने लगे तो पता चला कि निजी बीमा कंपनी व बैंकों ने सेब फसल की नहीं बल्कि उस फसल की बीमा करवाई है जो कभी क्षेत्र में उगाई ही नहीं जाती। लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए जब संबंधित क्षेत्र के विधायक मौके पर पहुंचे तो वह स्थिति को देखकर दंग रह गए। अब तक नुकसान की भरपाई का आश्वासन तो दूर की बात, नुकसान का आंकलन करने की भी सरकारी स्तर पर जहमत नहीं उठाई गई। लोग ऐसे में हताश और परेशान हैं। सदमे के कारण वे घरों से बाहर निकलने की स्थिति में भी नहीं है। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने बताया कि आजादी के बाद इतना नुकसान ओलावृष्टि से कभी नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी स्तर पर अभी तक नुकसानी के आकलन और मुआवजे की व्यवस्था नहीं की है। लोग हताश और परेशान हैं। सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। सेब की तैयार फसल निकालने से पहले तबाह हुई है। क्यारा पंचायत के हैप्पी ने बताया कि 3 रोज पूर्व दिन में ओलावृष्टि 25 मिनट तक चलती रही। ओलावृष्टि इतनी तेज हुई थी कि सेब के सारे पत्ते जड़ गए, सेब दागी हो गए। यहाँ के सारे लोग सेब बागवानी पर निर्भर हैं। आज बागवान सदमे में घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बागवान शिवलाल चौहान ने बताया कि उन्होंने ग्रामीण बैंक से KCC लोन बनाया था। उनके खाते से कॉपर इंश्योरेंस की रकम भी काटी गई थी, लेकिन जब इंश्योरेंस के बारे में बैंक गए तो उन्हें बताया गया कि उनका इंश्योरेंस धान और मक्के की फसल के लिए किया गया है। शिवलाल ने बताया कि KCC लोन बनाते हुए उन्होंने जमाबंदी सेब के फलदार पेड़ों की थी, लेकिन सेब का इंश्योरेंस नहीं किया। बागवान अनंत राम ने बताया कि 3 रोज पूर्व पौना घंटा तक ओलावृष्टि हुई और ऐसी ओलावृष्टि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। पेड़ों में सारा तैयार सेब क्षतिग्रस्त हुआ है, करीब 7 लाख का उनका नुकसान हुआ है। बागवान बिना लिपटा ने बताया कि हमारे यहाँ बहुत ओलावृष्टि हुई है, सेब पेड़ों में पककर तैयार था लेकिन ओलावृष्टि ने सारा खराब कर दिया। करीब पौना घंटा तक तेज ओलावृष्टि हुई है, हमारी फरियाद सरकार सुने ताकि हमें राहत देकर हम अपनी रोजी रोटी चला सकें।
मनमा देवी ने बताया कि उनकी 700 पेटी सेब निकालने वाले बाग में सेब तुड़वाने शुरू करने वाले ही थे कि उससे पहले ओलावृष्टि ने सारा नुकसान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस हालत में सहायता करती है तो ठीक है, नहीं तो भगवान के भरोसे है। बागवान सीवा ने बताया कि सरकार से अनुरोध करते हैं कि ओलावृष्टि बहुत हुई है, नुकसान की सरकार भरपाई करे। हालांकि उन्होंने ओलावृष्टि से बचने के लिए नेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन फल तोड़ने से पूर्व नेट उतार दिया था और इसी बीच ऊपर वाले ने उनके सेब को नुकसान पहुंचा दिया। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार सुने ताकि हमें सरकार कुछ राहत दे सके। प्याज के दामों में बेतहाशा इजाफा होने के चलते प्याज बाजार से गायब हो गया है। वहीं प्याज हमीरपुर में 70 से 80 रुपए बिकने से ग्राहक भी प्याज खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि हमीरपुर में पिछले दिनों प्याज 20 से 25 रुपए बिक रहा था, लेकिन अचानक ही प्याज के दामों में भारी वृद्धि होने से अब लोग भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में महंगा प्याज गृहिणियों के रसोई का भी जायका बिगाड़ रहा है। प्याज के दामों को लेकर कुछ गृहिणियों से बात की। युवती दीक्षा का कहना है कि प्याज का रेट 80 रुपए बिक रहा है, जिस कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्याज के रेट कम होने चाहिए। गृहिणी बिमला सोनी का कहना है कि प्याज के रेट पिछले कुछ दिनों से बहुत बढ़ गए हैं और सरकार को चाहिए कि महंगाई के दौर में प्याज के रेट कम होने चाहिए। नीलम शर्मा का कहना है कि सरकार को चाहिए कि खाने पीने की चीजों के रेट कम होने चाहिए और प्याज के रेट को कम किया जाना चाहिए। वहीं मीनाक्षी का कहना है कि प्याज के रेट ज्यादा होने से सभी मुश्किल के दौर में हैं और हर दिन रेट बढ़ने से सभी परेशान हैं, इसलिए दाम कम किए जाने चाहिए।